सी क्यूकम्बर। इस जीव को कभी कभार गलती से जेलीफिश मान लिया जाता है, जो बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होती और ये अपनी पूरी जिंदगी समुद्र की गहराइयों में रेंगती रहती है, चाहे वो स्थान मैरियाना ट्रेंच ही क्यों ना हो। इस जीव को पहली बार 1960 में देखा गया और हमें यह पता चल पाया कि यह जीव वैसे तो काफी शांत होती है, पर खतरा महसूस होने पर अपने इंटेस्टाइन से पानी में जहर को घोल देती है ताकि आसपास के जीव इससे बच ना सके। इसके अलावा ये अपने दोस्तों के लिए काफी मददगार भी साबित होते हैं, जो अपने शरीर के अंदर कुछ जीवों को रहने भी देते हैं। इन जीवों को कॉस्मेटिक और कुकिंग के लिए चीन में इसे पाला भी जाता है।